सो आज हम बात करेंगे क्या सेक्शन 9 किया जा सकता है आफ्टर डीवी। ओके, तो ये वीडियो वाइफ के लिए। वैसे तो क्या होता है, सपोज वाइफ ने डीवी एक्ट कर रखा है अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि क्या अब डीवी एक्ट करने के बाद वाइफ सेक्शन 9 कर सकती है या नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, आप कर सकते हो बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, डीवी अलग चीज़ है और सेक्शन 9 अलग चीज़ है, ठीक है। डीवी में क्या होता है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट करा देंगे, ठीक है, कि भैया अब आपस में ना लड़ना, ये है वो है। उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर काउंसलिंग होगी कि बोलेंगे भी आप आपस में बैठ के मामला सुलझा लो। और सेक्शन 9 है वो कोहैबिटेशन के लिए होता है, यानी कि आप अपने पति के साथ रहने के ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से, अगर आपके फेवर में डिग्री आती है तो आप सेक्शन 9 कर सकते हो अगर आपका डीवी चल रहा है तो। ओके, हो सके तो डीवी को आप सेटलमेंट कराओ। ओके, वहाँ पे आप सेटलमेंट कर लो कि हाँ भाई अब नहीं करेंगे, और वैसे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन डाइवोर्स के साथ आप सेक्शन 9 नहीं कर सकते कि सपोज आपने डाइवोर्स की पेटिशन डाल दी, ठीक है, और फिर आप उसके ओवरराइडिंग में सेक्शन 9 डाल रहे हो, तो ये नहीं कर सकते। अगर आपको डालना है तो पहले आपको डाइवोर्स की जो पेटिशन है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सेक्शन 9 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट है, एक घर बसाएगा एक घर तोड़ेगा, तो एक साथ वो नहीं डाल सकते आप। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। कोई भी फिर भी कोई आपको डाउट हो इस रिगार्डिंग, आप हमें इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी लिख सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे नंबर है, तो वहाँ पे आप पे करके कॉल करके ओके सर्विस ले सकते हो इंस्टेंटली। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो चिल मैन, चिल।